हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका कुकिंग सीक्रेट में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये गेहूं के आटे का केक होगा। केक बनाना इतना आसान है मानो के ढोकले बनाना। केक बनाने के लिए बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज हम घर पे हमारे पास होने वाला सामान से ही केक बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पास बड़ी साइज़ का ऐसा पतीला हो तो भी चलेगा, लेकिन उसका बेस मोटा होना चाहिए, या फिर इस तरह का तीन का पतीला भी चलेगा। और मैं तो कुकर में हर वक्त बनाती ही हूँ, तो कुकर में भी चलेगा। अब कुकर में हम क्या करेंगे, इसकी लीड की सीटी और रिंग निकाल देंगे। नमक डाल दूंगी, ये नमक बहुत बार यूज़ किया हुआ है। अब इसमें इस तरह की कटोरी भी चलती है, और आपके पास ऐसी कटोरी ना होती ही है, लेकिन इसके बदले इस तरह का रिंग भी चलता है। और ये भी ना हो तो सबके घर में गैस के ऊपर ये लगा हुआ एक्स्ट्रा होता ही है, वो भी चलेगा। देखो इसको मैं अंदर रख रही हूँ, देखो आ गया ना, इसके ऊपर आप बना सकते हो केक। अब ऐसा केक मोल्ड ले लो। आपके पास ऐसा केक मोल्ड ना हो तो ऐसा बर्तन भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर आप बटर पेपर लगाना ज़रूरी हो जाएगा। मैं बटर पेपर बिना भी इस केक टिन में कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, ऑयल अच्छे से मैं फैला लूँगी, और ऊपर से मैं आटा डस्ट कर रही हूँ। इस तरह से अच्छे से फैला कर बचा हुआ आटा निकाल देंगे। इस तरह का करके हमें रेडी कर लेना है, फिर ही हमें बैटर बनाना है। इस तरह का पतीला ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। मैं 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। इसके जगह मेल्टेड बटर भी ले सकते हो, नॉर्मल कुकिंग ऑयल ही है। इसमें अब मैं 2/3 कप पाउडर शुगर डाल दूँगी। 1/3 कप यहाँ मेरे पास है, वो 2 भर के मैंने पाउडर शुगर बनाया है। अच्छे से मिला लूँगी सबको। इसमें 1/4 कप दही डाल रही हूँ। यहाँ ध्यान रखना है नॉर्मल टेम्परेचर पर ही सब इंग्रेडिएंट लेने हैं। अच्छे से सबको मिला लूँगी। एक बार और याद दिला रही हूँ, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, वरना केक हमारी फूलेगी तो सही, लेकिन वापस से ठंडी होकर बैठ जाएगी। ड्राई इंग्रेडिएंट को मैं छान लेती हूँ दूसरे पतीले में। यहाँ मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है, उसमें से मैं 2 टेबलस्पून भर के आटा निकाल लूँगी साइड में। उसके बदले में 4 टेबलस्पून जितना कोको पाउडर डाल दूँगी। यहाँ मैंने डार्क वाला कोको पाउडर लिया है, आप ज़्यादा डार्क पसंद ना करें तो नॉर्मल वाला कोको पाउडर भी ले सकते हो। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डाल दूँगी। अच्छे से सबको छान लूँगी, सारे इन्ग्रीडियंट अच्छे से मिल जाएंगे। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी है, अब इसको मैं वेट इंग्रेडिएंट में डाल दूँगी। उससे पहले मैं वेनिला एसेंस डालूँगी, गेहूं का आटा है इसलिए मैं वेनिला एसेंस ज़रूर डालूँगी। आप चाहो तो चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हो। अब मैं सबको अच्छे से मिला लूँगी। यहाँ मैं 1/2 कप मिल्क ले रही हूँ, वो भी रूम टेम्परेचर पर ही है, आधा आधा करके डाल दूँगी। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का ज़रूर एक्सपायरी डेट चेक कर लो, वो एक्टिवेट है या नहीं वो भी चेक करना ज़रूरी है। वो फ्रिज में रखा हुआ ना होना चाहिए, आधे घंटे के लिए बाहर निकाल कर ये सब यूज़ करना, जिससे क्या होगा कि सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छे से रिएक्ट करेगा और हमारी केक फुली फुली बनेगी। बेटर को ज़्यादा नहीं मिलाना है, 1 से 1.5 मिनट ही मिलाना है। यहाँ मैंने दही बहुत खट्टा वाला यूज़ नहीं किया है, सारा दूध डालकर अच्छे से मिलाकर इस तरह से पोर हो वैसा हमें बनाना है। अब हम क्विक करेंगे और टिन में डाल देंगे। साथ ही मैंने प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुकर रख दिया है गैस पर। अब केक को इस तरह से टैप कर लूँगी कुकर में। मैं ध्यान से रख दूँगी क्योंकि जलना जो ध्यान रखना, ये बहुत गर्म होता है उस टाइम। अब इसको 45 से 50 मिनट के लिए अच्छे से रख दूँगी स्लो से मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसको
टूथपिक से एक बार देख लूँगी। अच्छे से तो फूल गया है, अब टूथपिक डालकर देख लेती हूँ बना है या नहीं। टूथपिक देख रहे हो एकदम से क्लीन बाहर आई है, लेकिन मैं इसे उंगली से दबाकर भी देख लूँगी। दबाने से जितना अंदर जाता है छोड़ने से उतना ही बाहर आ जाता है या नहीं वो देख लूँगी। नहीं आता तो वापस से 5 मिनट में ऐसे ही उसको रख दूँगी, क्योंकि वो जो चिपक रहा है वो केक, टूथपिक तो क्लीन आ रही है लेकिन वो केक दांतों में चिपकने वाला बनेगा। हमारा केक परफेक्ट बेक हो गया है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और कंप्लीट ठंडा होने तक हम इसको ऐसे ही मोल्ड में ही रखेंगे। देखो आसपास से तो छूट गया है लेकिन नीचे से अभी भी चिपका होगा, ठंडा हो जाएगा व आप वो बाहर आ जाएगा। ठंडा होने के बाद मैं केक को इस तरह से छुरी से इस तरह से निकाल लूँगी। अब मैं उसके ऊपर एक डिश रख दूँगी और उसको उल्टा कर लूँगी, थोड़े से टेप करूँगी ऊपर हल्के हाथों से और केक निकल जाएगा इजीली। अब देखो कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है, इसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। आप चाहो तो 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड करके डेकोरेट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ चॉकलेट सिरप ही डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसको 3-4 हिस्सों में काट कर बीच में क्रीम लगा सकते हो, रसमलाई लगा सकते हो, पीनट बटर लगा सकते हो, नटेला लगा सकते हो और आप अपने हिसाब से कोई भी और डेकोरेशन भी कर सकते हो। यहाँ मैंने थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए चॉकलेट जेली रख दी है। अब मैं आपको बीच में से थोड़ा सा काट कर दिखा रही हूँ। आपको गेहूँ वाला केक अच्छा लगा हो तो आप आगे ज़रूर बताना कि बिना शुगर के भी आप केक देखना चाहते हो या नहीं। और ये रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए मेरे चैनल को। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।